माननीय अध्यापक और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण, आप सभी का मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे देश की आज़ादी में जिन शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा हर्षोल्लास और उत्साह का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ था। हमारे देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने अपना योगदान और अपने बलिदान दिया है। उनके बलिदान के और संघर्ष के कारण हमें हमारे भारतवर्ष को आजादी प्राप्त हुई है। आजादी से पहले हमारा भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। लगभग 200 वर्ष तक हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया, वो बहुत ही लंबा संघर्ष था। उसकी शुरुआत 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ, जो 1947 में आकर प्राप्त हुआ था। उसमें झांसी की रानी से लेकर तांके टोपे तक और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने योगदान दिया और अपने जीवन का बलिदान दिया। इस आजादी के लिए सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने जो योगदान और बलिदान दिया है, उनके बलिदान के बाद हमें जो ये आजादी नसीब हुई है, उसके उपलक्ष्य हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश आज चंद्रमा तक का सफर तय कर चुका है। खेल कूद में हमारा देश आज दूसरे देशों के साथ हर खेल में, जैसे ओलंपिक, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऐसे कई खेलों में दूसरे देशों को चुनौती देता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। देश के कोने कोने में आज छोटे बड़े शिक्षा के स्थान खुले जा चुके हैं, जिसमें हर देश का गरीब, अमीर, हर वर्ग का बच्चा शिक्षा ले रहा है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी हमारा देश आज उन्नति कर रहा है और कई प्रकार के अनाज पैदा कर रहा है और दूसरे देशों के साथ अपने देश का जो विकास है उसका एक चुनौती दे रहा है। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि
आप लोग भी अपने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करें, मन लगाकर पढ़े, ताकि आपका और आपके तिब्बत देश का भविष्य उज्जवल हो और एक दिन आप लोगों को भी ये गर्व का मौका मिले। और एक बार फिर से अंत में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Slogan "Inqilab Zindabad" is "Long live the revolution." This slogan became one of the important slogans against the independence struggles and motivated the youth of India to participate in the freedom struggle. Then there is an important slogan: "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga." And this is one of the popular slogans used by Subhash Chandra Bose. Cold War had reduced the economy, political and military strength of the British Empire, and they were also aware that after the war, India would begin a larger movement for independence. The mood of the British people and the British army had changed from that period. Thus, on 15th August 1947, India gained its independence from the British rule for nearly 200 years. Since from that year, at 1947, every year, people of India celebrate International Independence Day and pray and pledge for the future development of the country. Thank you very much.